हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। और ये वीडियो मैंने उस वीडियो का एंड करने के बाद उसी दिन से ये वाला वीडियो शुरू कर दिया है। और अब टाइम हुआ है 1:30 बज गया है, 1:30 हो गए हैं और अब मैं थोड़ी सी देर लेट ली हूँ। 1.5 घंटा 12 बजे की बात थी जब मैंने आपसे बातें की थी और अब 1:30 बज गया है। और अभी क्या है कि अब मैं खाना बनाऊँगी, अब मुझे भूख लग रही है। और अनुष्का के पापा जी अब भी सोए हुए हैं लेकिन मुझे अब भूख लग रही है। और ना मैं ज़्यादा देर नहीं सो पाती हूँ, मैं बस इतनी ही देर सो पाती हूँ। 1.5 घंटे सो ली हूँ, आराम कर लिया है। इतनी ज़्यादा नींद तो नहीं आई थी, पहले वीडियो एडिट की थी उसके बाद ना फिर मैं लेटी थी और 1 घंटा बस लगभग 1 घंटे ही मैंने आराम किया है। अब ना मैं अपने लिए पहले खाना बनाऊंगी, खाना खाऊंगी और उसके बाद ना फिर मैं और भी काम करूंगी। मैं सोच रही हूँ बालों में कंघी करूंगी और जो कपड़े रखे हुए हैं उन्हें धोऊंगी, और जो कपड़े मेरे सूख गए हैं जो मैंने धो करके सुखाए थे उनको उतार करके तह करूँगी। तो ये काम करना है। और अनुष्का के पापा जी से पूछूंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि ना अब जब वो उठेंगे तभी खाना खा लेंगे, अब उनको बीच में से क्या उठाना, अगर उन्हें नींद आ रही है तो सोने देते हैं। वैसे वो बोल रहे थे कि लाइट आ रही है, मुझे खेतों पे जाना है पानी लगाना है, लेकिन लाइट ना अभी चली गई है। मैंने उनसे 1-2 बार बीच में बोला था कि ना लाइट आ रही है आप चले जाओ, वो नहीं उठे तो फिर अब तो लाइट भी चली गई, अब नहीं उठाऊंगी, अब सोने दूंगी। और मैं खाना खा बना करके मैं सोच रही हूँ खा करके बना लूँगी, बना करके खा करके और फिर काम करूँगी। तो यहाँ पर आटा ले लेती हूँ, फ्रिज से मैं आटा रख गई थी ना इसमें, तो उसको ले लेती हूँ। और फ्रिज में इतना सामान हो रहा है कि जरा भी अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो सारा सामान नीचे आ जाएगा। बहुत सारा सामान हो रहा है फ्रिज में, क्योंकि हर चीज़ फ्रिज में रखनी पड़ती है गर्मियों में इस वजह से। तो खाना खाने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आकर ना मैं यहाँ पर ये बर्तन रखे हुए थे जो मैंने साफ़ किए थे, तो इसमें से ना मैं छोटा वाला लोटा ढूंढ रही थी जो कि कान्हा जी का है, जिसमें मैं कान्हा जी को पानी रखती हूँ पीने के लिए। तो मैं वो वाला ढूंढ रही थी और इसमें मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और मैं ले करके जा रही हूँ कान्हा जी के लिए, क्योंकि ना पानी का रखना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मतलब प्यास वगैरह लगती है गर्मी में, तो मैं ना कान्हा जी के लिए नहला धुला कर उनको सुबह ही उनके लिए पानी मैं रख देती हूँ पीने के लिए। और अब मैं आ गई थी यहाँ पर, ये जो कुछ वो थे ना कपड़े यहाँ पर सूख रहे थे, सुबह मैंने धो कर के सुखाए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी उतारे लेती हूँ और इनको उतार के तह करके देखती हूँ। अभी तह करूँगी या बाद में, पर इनको उतारे लेती हूँ क्योंकि ये ना सूख गए हैं। और ये ना मैंने सुबह सुखाए थे, तो ये मैंने मशीन में नहीं सुखाए थे, ऐसे ही डाल दिए थे। और देखिए यहाँ पर ये कितने अच्छे से सूख गए हैं और धूप भी नहीं आ रही थी यहाँ पर, फिर भी ना गर्मी इतनी है कि बहुत जल्दी से ही कपड़े सूख जाते हैं। तो मैंने सारे कपड़ों को उतार लिया है और अभी मैं आपको दिखा रही थी कितनी दोपहर हो रही है। कम से कम 2 बजे का टाइम था ये, बिल्कुल दोपहर हो रही है और सभी सो रहे होंगे इस टाइम। और मुझे क्या, देखिए मुझे क्या सूझी कि मैं 2 बजे ही काम पर लग गई है ना। तो मैं 2 बजे के बाद थी जब मैं काम पर लगी हुई थी और सभी आराम कर रहे थे, कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था, आराम का टाइम था और मुझे, मैं लग गई हूँ यहाँ पर काम पर। तो अभी ना सारे कपड़ों को मैं उतार कर ले आई हूँ और यहाँ इनको यहाँ अंदर खाट पर रख दूँगी। यहाँ पर रख दिया है मैंने और यहाँ पर ना फिर बाद में मैं कपड़ों की तह भी कर लूँगी। तो अभी ना फिर मुझे याद आया, जैसे कि मैं कपड़े वगैरह धोने के लिए गई थी ना, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने जा कर के देखा डब्बे में तो सर्फ़ नहीं था, सर्फ़ हो गया था ख़त्म। तो
तो मैंने कहा चलो फिर निकाले लेते हैं। और इतना भी सर्फ़ नहीं था कि मैं अब फ़िलहाल कपड़े धो लूँ, इतना भी नहीं था, सारा वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर ना मैं सर्फ़ निकाल रही हूँ और अलमारी के अंदर बहुत अंधेरा सा हो रहा था जिससे कि दिखाई नहीं दिया दे रहा था, और मैंने सर्फ़ निकाल लिया है। और ये छोटी छोटी थैलियाँ थी, मैं डब्बा भी मंगाती हूँ सर्फ़ का, लेकिन एक्स्ट्रा भी मंगा लेती हूँ, जैसे कि अब है ना, अब सामान अभी नहीं आया है तो ये थोड़ी फालतू चीज़ मंगा लेते हैं ना, तो फिर ना इतनी जल्दबाजी नहीं रहती किसी चीज़ की। तो फिर मैंने ना सरफ ला करके इस डब्बे में डाल लिया है, और ये सरफ ना काफ़ी दिन का आया हुआ था तो कुछ सीला सीला सा भी हो गया था, एक जगह चिपका चिपका सा हो रहा था, ऐसे नहीं था खिला खिला सा था। बड़ी अब मुश्किल हो रही थी इस डब्बे में डालने में, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन था और इधर मैंने टंकी को चला लिया है। मैंने कहा इस तसले को भी भर लेते हैं पानी से, और यहाँ पर मैंने इस ढक्कन को लगा दिया। और ये कपड़े रखे हुए हैं जो कि मुझे अभी धोने हैं, तो मशीन के ऊपर ही रखे थे ऐसे ही, तो मैं इनको सारे कपड़ों को अच्छे से नीचे डाल लूँगी, पहले इकट्ठा कर लूँगी एक जगह है ना, तो और उसके बाद फिर मतलब धो लूँगी इनको। तो ये सफ़ेद चादर हैं जो कि मैं अनुष्का के पापा जी के लिए लेकर के आई थी, वो बोल रहे थे कि मेरे लिए चादर ले आना। मैंने कहा ठीक है ले आऊँगी, क्योंकि ना गर्मी में कहीं आते हैं जाते हैं तो सर पर रख लेते हैं ना, तो फिर इतनी सर को धूप नहीं लगती और वैसे भी पसीना वगैरह पोंछने में अच्छी रहती हैं गर्मियों में, तो ना इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। और इधर मैंने तसला भी ले लिया है, और इसमें ना पानी डाल करके सारे कपड़ों को अच्छे से भिगो लूँगी और इसमें ही फिर मैं कपड़ों को धो लूँगी। तो ये सारा सारे कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर मैं ना मैं क्या सभी फिर क्या करते हैं कि सारे सामान को सेट करना होता है, जैसे कि जहाँ पर भी हमको सामान रखना होता है उसको वहीं पर हम सेट करते हैं। तो मैंने सारे सामान को उठा करके रख दिया है, जैसे कि नील वगैरह और सरफ जो भी सामान था वो सारा मैंने ऊपर अच्छे से रख दिया। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए, अब यहाँ पर मैं कपड़े सुखाऊँगी। और मैंने ना मशीन में अब भी नहीं सुखाए हैं कपड़े, मैंने कहा ऐसे ही डाले देते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे कपड़ों को अच्छे से फटकार करके झाड़ झाड़ करके अच्छे से सुखा दूंगी, क्योंकि ना अच्छे से झाड़ लेते हैं ना तो फिर क्या होता है कि उनमें सरवट वगैरह सी नहीं पड़ती है, वरना ना ऐसे ही निकालो ऐसे ही डाल दो तो ना फिर बहुत अजीब से गंदे से लगते हैं। इसलिए तो मैं ना सारे कपड़ों को यहाँ पर सुखा रही हूँ, आप देख सकते हो सारे ही कपड़े धोलाएँ। और इसमें ना सारे कपड़े कुछ ऐसे थे जो मेरी डेली यूज में मैं नहीं मतलब पहनती हूँ, अभी अनुष्का के भी थे मेरे भी थे है ना, तो मैंने कहा चलो फिर इनको हाथ से ही धोते हैं। और ज़्यादा इसमें कुछ सफ़ेद से हल्के कलर के कपड़े ज़्यादा थे, इसीलिए फिर मैंने इनको हाथ से धोया। तो फिर मेरा ये सूट भी था जो मैं डेली में पहनती हूँ, मैंने कहा चलो सर्फ बचा था तो फिर मैंने इसको भी मतलब निकाल दिया पानी उसमें सर्फ में, मैंने कहा चलो फिर इसको भी धो देते हैं जब धो ही रहे हैं। और जो बाकी के कपड़े जैसे कि अनुष्का की ड्रेस वगैरह बाद में होंगी ना, तो फिर उनको ना फिर मैं मशीन में डाल दूँगी।
है ना, फिर भी सर्फ़ बचा था उसमें, तो फिर मैंने मशीन में डाल दिया है सर्फ़ को। मैंने कहा चलो अभी कपड़े धुलेंगे ना, तो फिर ना उसमें सर्फ़ में कपड़े घूम जाएंगे अभी। और इसमें ना क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी कपड़ों में सर्फ़ सा है होता है। मैंने कई बार मतलब धो भी लिया था, फिर मैंने सोचा चलो एक बार और पानी में निकालते हैं और फिर इनको सुखाते हैं। मतलब मन में रहता, फिर अगर मैं ऐसे ही सुखा देती ना तो फिर मन परेशान सा रहता कि अरे सर्फ तो नहीं रह गया, ये है वो है। तो फिर मैंने कहा सोचा चलो मन के वहम को भी निकाल ही लेते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो फिर मैंने धोया दोबारा से और जब डाला, और ये अनुसार के पापा जी की चादर है जो कि मैंने नील लगा कर अच्छे से धो ली। और फिर मैंने सोचा नहीं, ये दीवार पर नीचे लग रही थी ना, तो मैंने सोचा नहीं इनको ऐसे डालती हूँ कि दीवार से अलग रहें, जो कि इनमें कोई दाग वगैरह ना लगे। तो इसलिए मैंने फिर इनको छोटी तह किया और ऊपर डाल दिया। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये भी अच्छे से और सुखा दी है, और नील लग करके ना चादर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो अनुष्का आ गई है स्कूल से, और यहाँ पर ना मैं उसके बैग वगैरह ये सब एक जगह रख रही थी, और फिर इसमें से ना मुझे पानी की बोतल उसकी और लंच बॉक्स ये सारी चीज़ें निकालनी हैं। और देखिए ये ड्रेस व्रेस सब कुछ ऐसे ही रखी हुई है यहाँ पर, अब सबको अच्छे से रखूँगी धुलने के लिए, ड्रेस को धुलने के लिए ले जाऊँगी। और यहाँ पर ना मैं आ गई थी इसमें से राजमा निकालने के लिए, है ना। कल मुझे राजमा बनाने हैं, तो मैं सोच रही थी कि पहले ना उनको निकाल करके सुखा दूँ, एक बार धूप लग जाएगी तो अच्छे से, फिर ना वो गल भी जाते हैं। तो पहले मुझे लगा कि इस डब्बे में नहीं है, और फिर मुझे दिखाई दिए कि हाँ नीचे रखे हुए हैं, तो फिर मैं उनको इसमें से निकाल रही हूँ। और अभी ना धूप आ रही है, ऐसा नहीं है, 3 बजे का शायद टाइम था, तो मैंने कहा चलो अभी तो काफ़ी धूप है और अच्छे से धूप भी लग जाएगी, तो फिर इनको ना चलते हैं ले करके और धूप में रखाते हैं। तो अगर धूप लगा दो ना सामान को, जैसे कि छोले हैं और जैसे कि राजमा हैं, दालें हैं, तो फिर ना बड़ी अच्छी से आसानी से फिर वो गल भी जाती है। तो यहाँ पर ना राजमा मैंने निकाल लिया और इस परात में डाल करके ना, और फिर मैं इनको बाहर रख दूँगी। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में राजमा, ये देखिए। और मैंने ना आपके सफ़ेद वाले राजमा मंगाए थे, वो नहीं मंगाए थे, दूसरे वाले छोटे वाले सफ़ेद राजमा हैं, और इन सारों को मैंने डाल लिया है इस परात में। और अब ले करके जाऊँगी इनको बाहर, धूप में रख दूँगी, है ना, अच्छे से धूप लगा लूँगी इनको। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी, है ना। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू हैं
तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।